अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ कभी ठंडा खाना नहीं खाती है, खाना गर्म कर लेते हैं। खुद ही चलकर देख लो ना मन्नू, मैंने सारा खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगाया है। मुझे पता है जब तक अस्थियां विसर्जित नहीं हो जाती ना, तब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है। कब तक पूरा परिवार भूखा बैठा रहेगा? हाँ को गंगा माँ के हवाले करने जा रहा हूं। इसे कहीं मत ले जाओ अंशुमन, ये हमारा नटखट नंदन है अंशुमन, इसे कहीं मत लेके जाओ। हमारे पास ही रहने दो इसे, हमारे कलेजे का टुकड़ा है ये जानी, अंशुमन से कहीं मत लेके जाओ। सोनी जी संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को, दीजिए मुझे, दीजिए। ले जाओ इसे, ले जाने दीजिए, वरना हमारे प्यारे बेटे नंदन को और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बड़ी माँ, ये क्या तरीका है सुमन से बात करने का? अंशुमन, तुम्हारे हाथों में नंदन का अस्थि कलश है। क्रोध या किसी भी प्रकार का कोई भाव नंदन की आत्मा की शांति की प्रार्थना में बाधा बन सकती है। हम पूछते हैं, क्या है बड़की बहू ये सब जो आप देख रहे हैं? बाबू जी, नंदन का पिता का हाथ ठंडा नहीं हुआ कि इनका पेट में आग लग गया। अरे बेटे के जाने का मातम पसरा हुआ है यहाँ पे, और ये चली ये जाके रसोई में आग जलाई है। सुमन, ये भाभी क्या कह रही है?
के रहना ठीक नहीं है, ऐसे ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनका शुगर लेवल लो हो जाता है, हम तो बस इनकी तबीयत खराब। तबीयत? तुम्हें बड़ी चिंता है हमारी तबीयत की? अब तुम्हें क्या लगा ये खाना हम खा लेंगे? तुम्हारे आज का खाना खाने से बेहतर है हम भूखे मर जाए। देख ले नंदन, अच्छे से देख ले, क्या हाल हो गया यार तेरे जाने के बाद? सुमन पर इतने बड़े सवाल खड़े हो गए, यहां पर सभी ने कुछ ना कुछ खोया, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पोता, किसी ने भाई और किसी ने भतीजा, लेकिन सुमन, सुमन इस परिवार में एकमात्र ऐसे इंसान है जिसने कुछ नहीं खोया, कुछ भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तो सुमन का कुछ लगता ही नहीं है, ना पति, ना प्रेमी, ना दोस्त, क्योंकि अगर तू उसका कुछ होता तो उसे ऐसी दुर्गति में छोड़ के नहीं जाता। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात वो तो सड़क पर हुई थी ना? पर भगवान जी ने तुम्हें चीना भी सड़क पर। तुम्हारे साथ बिताया हुआ ना हर एक पल याद है हमें, हर एक मोमेंट, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा हमें चिढ़ाना, सब कुछ याद है और हमेशा रहेगा। अब तुम बताओ ना हमें, कौन बोलेगा मैं सुल्तानगंज, कौन बोलेगा चुनकारी? हर पल बस वही याद करेंगे, पर हमारे लिए ना वही हमारी सबसे प्यारी कहानी थी, है और हमेशा रहेगी। ऐसा लगता है अभी आओगे और हमें गले से लटका लोगे तुम। तो